साबरकांठा જિલ્લાના પ્રાંતિજ પાસે આવેલ લાકરોડાની સીમમાં આર્ય સમાજના નવીન આશ્રમ દર્શન યોગધામના શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી ઉપસ્થિત રહ્યા। ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાના લાકરોડા ગામની સીમમાં આર્ય સમાજ દ્વારા ભવ્યથી ભવ્ય દર્શન યોગધામનું નવનિર્માણ શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં રાજ્યપાલ દેવવ્રત સહિત દાતાઓ તથા ધર્મપ્રેમી લોકો સહિત સંતો મહંતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે દર્શન યોગધામનું ભવ્યથી ભવ્ય નિર્માણ થશે। તો રાજ્યપાલ દેવવ્રત અને દાતાઓ દ્વારા શિલાન્યાસની ઈંટ મૂકીને ધન્યતા અનુભવી હતી। તો 11 કુંડી યજ્ઞ, પિતૃતર્પણ યજ્ઞ અને શિલાન્યાસ વિધિ ખૂબ જ ધામધૂમ અને વૈદિક મંત્રોચ્ચારના પવિત્ર વાતાવરણમાં કરવામાં આવ્યું હતું। તો પ્રખર કાંતિ કરી સંત શિરોમણિ સચ્ચિદાનંદજી પરમહંસે ઉપસ્થિત રહીને ઉપસ્થિત તમામ લોકોને આશીર્વચન પણ પાઠવ્યા હતા। જીલરાવલ જેડેસ ટીવી પ્રાંતિજ। देखिए, यहाँ पर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो सनातन के नाम से जानी जाती थी, आज में किस कगार में है वो हमें विचारना चाहिए। आज हम कहाँ पर खड़े हैं उसके ऊपर आप स्वयं विचार करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुम्बकम्। जिस संसार में ऐसे मंत्र हों, वैदिक मंत्र हों जिससे हमारा राष्ट्र सेक्युलर बना है, उस राष्ट्र से हमारे विचारों से जो शाश्वत है, तो उसके लिए गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मचारी क्या बनते हैं, गृहस्थी कैसे हैं, वानप्रस्थी क्या है, सन्यासी क्या है, ये सब हमारे ऊपर लागू है। जो आम खास जो आप सुन रहे हैं, जो भी भ्राता हैं हमारे, ये सबके ऊपर लागू है, ये हमारा कर्तव्य है। और आज हम जो है कॉन्वेंट स्कूल हैं और दूसरे स्कूल हैं उसमें जाते हैं, तो ये शिक्षा हमें नहीं मिल रही है। इसके लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और जितने भी आज जो वातावरण बना हुआ है उसमें जो आवाज़ उठा रहा है, तो गुरुकुल के या एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं यहाँ से तैयार होकर के। देखिए, गुरुकुल इस वजह से तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा भजन के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। दो लकीरों में आप ध्यान दीजिएगा कि वैसी स्थिति बनी हुई है जो हम वसुदेव कुटुम्बकम, जिसको हमने जगा दी घर में रहने के लिए, आज वो हमारे सामने बोलते हैं या कुछ भी व्यवस्था हो, हमारे आँखों के बीच में पट्टी आ गई है। तो हमें आँखें खोलनी चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो वसुदेव कुटुम्बकम जगह जगह पर भारत बनाएंगे, सब लोगों को बसाएंगे। हम कोई अपना मुल्क नहीं चाहते हैं, अपना झंडा नहीं चाहते, हम बोलते हैं सब श्रेष्ठ बने। उसी हिसाब से इस गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, आप भी इसमें सहायता दीजिए। और जानिए, इति ओम भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ओम नमस्ते जी। दर्शन योग धाम जो कि प्रांतिज के निकट लाकरोड़ा ग्राम में बनने जा रहा है, जहां 7 गुरुकुलों का निर्माण होगा। विद्यार्थी पढ़ेंगे, ब्रह्मचारी पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, वानप्रस्थी रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, वैदिक धर्म वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम होगा। देसी गायों का गौशाला पर हम बनाएंगे और कई प्रकार के शिविर चलेंगे। योग शिविर है, यज्ञ शिविर है, संस्कार शिविर है, अनेक शिविरों का आयोजन होगा। वेद पढ़ाएंगे, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब यहाँ पर पढ़ाएंगे। और जो कुछ माताएं बहनें हैं जो घर से दुखी हैं, ऐसी माताओं की भी व्यवस्थाएँ करेंगे, उनका भी आश्रम बनेगा। तो कन्याओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए उपयोगी होगा, जो कि वास्तव में मानव निर्माण का काम चलेगा। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए, रक्षा के लिए विशेष काम होगा। तो आप इस कार्यक्रम में आएं, जुड़ें और तन मन धन से इसका सहयोग करें और भारतीय संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान प्रदान करें।